हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो चलिए आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। मैंने आपको, अगर याद होगा तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि मेरे गार्डन के जो बैंगन है वो मैंने निकाले थे, कट किए थे। कल परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो दिखाती हूँ पहले बैंगन। हम देखिए यहाँ पे, ये तो आज ही कट किया है और ये परसों कट किए थे, इसलिए ये थोड़े से सूख गए हैं, लेकिन है तो बैंगन ही भाई। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं बैंगन की सब्ज़ी, इजी और जल्दी बनने वाली बैंगन की सब्ज़ी हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा अदरक, टोमेटो, थोड़े से पीनट्स वगैरह ये सब लेने वाली हूँ। तो आपको दिखाते हूँ क्या क्या ट्राई करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले बैंगन को धो लेंगे, उसके बाद उसको कट करेंगे। हमने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ताकि बैंगन हम फ्राई कर सकें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे बैंगन को कट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको धो लूँगी और फिर ऑयल में छोड़ूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो बैंगन है इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको अभी हम लोग इस ऑयल में छोड़ेंगे। इस तरह से, और अभी जो इसका कलर भी बदल जाएगा, इसके ढक्कन ढक देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह से फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो इनको और थोड़ी देर के लिए हम लोग ऑयल में रखेंगे, उसके बाद इनको निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, तो इन पर इसको ढक के रख देंगे। और साथ ही साथ दूसरी ओर हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और उसमें डालेंगे थोड़े से पीनट। तो पीनट्स को थोड़ा सा भूनने देंगे हम, उसके बाद उसमें डालेंगे सूखी मिर्च। तो ये देखिए, पीनट जो है हमारे भुन चुके हैं अच्छे से, और इसके साथ साथ इसमें डालेंगे अब मिर्ची, जो कि सूखी मिर्च रहेगी, लाल मिर्च। देखिए यहाँ पे इस तरह से, आप जो लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हो उससे ज़्यादा ये जो मिर्च होती है गाइस, उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लाल मिर्च को उसके साथ साथ भुनेंगे, और उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस प्रकार ये मैंने मिक्सर में अभी ले लिया है और इसको जो है अभी थोड़ा सा भून लूँगी। तो गाइस, बैंगन हमारे रेडी है निकालने के लिए। तो चलो पहले इसको निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। गैस हाँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से बैंगन को मैंने निकाल दिया है प्लेट में, और उसी के साथ साथ भी ये जो ऑयल है इसमें हम लोग ये जो अनियन है, टोमेटो है, और थोड़ा सा अदरक लहसुन है वो थोड़ा सा भून लेंगे। अनियन को थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, साथ ही साथ अदरक है, लहसुन है, इनको भी थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होने देना है, फिर इसको भी मिक्सी से निकाल लेना है भून के। देखिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग पकने देंगे थोड़ा सा। तो हमारा ये जो भुना हुआ मसाला है, जो कि पीनट्स वगैरह डाल के हमने बनाया था, वो रेडी है। लेकिन वो कुछ अलग ही मज़ा होता है जब आप घर की सब्ज़ी, घर के बैंगन की सब्ज़ी बनाते हो। तो वैसे भी आज देखते हैं कि कैसी बनती है सब्ज़ी। मैं तो बहुत ज़्यादा ये कर रही हूँ कि टेस्ट कैसे लगती है उसकी, वो पता होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ घर के बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन की सब्ज़ी की एक रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी, आप ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन इजी होती है बहुत। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी रेसिपी। ये है हमारे टोमेटो, अदरक लहसुन और जो अनियन थे उसको भी पेस्ट बनाना है, उसको भूनना है। तो चलिए इसको भी एक बार मिक्सी से घुमा लेते हैं। ये देखिए, रेडी है हमारा मसाला। मसाले को जो है मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है गाइस, मतलब ज़्यादा फाइन नहीं किया है, और इसको थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रखा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और चलिए अभी बनाते हैं सब्ज़ी।
कढ़ाई में मैंने अनियन वगैरह भुने थे इसलिए उसमें ऑलरेडी ऑयल है अभी, और थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ इसमें अभी, तो चलिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी राई, थोड़ा जीरा, और फिर ऐड करेंगे ये भुना हुआ मसाला। देखते हैं यहाँ पे, ये जो है अच्छी तरह से अभी इसमें भून जाएगा। देखिए यहाँ पे, इसी के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ी हल्दी, थोड़ा हींग। मिर्च पाउडर तो हम लोग ऐड नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा ये जो मसाला है ये ऑलरेडी रेडी है गाइस, तो ये इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए मसाले का जो ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा छूटने लगा है, इसी के साथ साथ हम लोग ऐड करेंगे वो भुना हुआ मसाला। चलिए ऐड करते हैं ये भुना हुआ मसाला, इसको भी हम लोग ऑयल में अच्छे से फ्राई होने देने वाले गाइस। ये देखिए यहाँ पे ये जो मसाला है ठीक तरह से फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी जो कि मिक्सी में था, ये पानी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। चलो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको अभी तेल छूटने तक थोड़ा सा पकने देंगे। जैसे इसका तेल छूटने लगेगा इसको इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे। देखिए तेल मसाले का छूट चुका है और इसमें ऐड करेंगे अभी बैंगन। ये देखिए यहाँ पे ये बैंगन हमने ऐड कर दिए, इसमें अच्छे से मसाले में इसको मिक्स कर देंगे। देखिए ओके, और अभी ऐड करेंगे इसमें नमक, तो थोड़ा नमक स्वादानुसार जितना कि आप बेयर कर सकते हो, हम तो सॉल्टी ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो ये देखिए बैंगन ऐड कर दिए हैं, इसी के साथ साथ नमक भी ऐड हो गया है, अभी ऐड करेंगे स्पेशल चीज़। तो चलिए ऐड करते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद बस 2 मिनट इसको थोड़ा सा पका लेंगे गाइस। ये हमारी बैंगन की सब्जी जो कि रेडी है, तो चलिए खाते समय इसको टेस्ट करेंगे।